अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर मेरे वीडियो और रेसिपी आपको पसंद आ रहा है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। हाय एवरीवन, मैं हूँ चांदनी और एक बार फिर से मेरे चैनल पे मैं कर रही हूँ आप सबका स्वागत। आज की जो मेरी रेसिपी है उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा, तो चलिए शुरू करें। आज जो मैं हरियाली पनीर टिक्का बनाऊंगी उसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक कटोरी बेसन और एक कटोरी मैं दही लूँगी जो एक दिन पहले का जमाया हुआ है, ये हल्का खट्टा है। और अब मैं डालूँगी इसमें 2 चम्मच हरे धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट। ये अगर आप चाहो तो पुदीने का भी बना सकते हो और चाहो तो हरे धनिए का भी। मैंने 1 कटोरी हरा धनिया लिया और उसमें मैंने 2 से 3 हरी मिर्च ऐड करके इसे मिक्सी में पीस कर इसका पेस्ट बना लिया है। अगर आपको तीखा पसंद हो तो आप 3 से 4 चम्मच भी डाल सकते हो। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच काला नमक और 2 चम्मच मैं इसमें डालूंगी मीठा तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। नमक स्वाद अनुसार, अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच गार्लिक जिंजर का पेस्ट और एक बार फिर इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। अब इसमें मैं डालूँगी पनीर के टुकड़े, ये मैंने इस तरह से इस साइज में 10 से 12 पनीर के टुकड़े ले लिए और इसी तरह से मैं इसमें डालूँगी प्याज, ये बड़े 4 टुकड़ों में मैंने काट के बड़ी साइज के प्याज खोल के रख लिया है। 1 कटोरी प्याज है, एक एक प्याज को मैंने इसे इस तरह से खोल लिया है। शिमला मिर्च है जिनके बीज मैंने निकाल कर इन्हें भी बड़े टुकड़ों में काट लिया है, तो 1 कटोरी शिमला मिर्च है। अब इसमें मैं डालूँगी 1 कटोरी टमाटर, ये बीज मैंने साइड से कट कर लिया टमाटर को और बीज को मैंने हटा दिया है। अब इन्हें अच्छी तरह से हल्के हाथ से मिलाएं क्योंकि इसमें पनीर है तो इसे ज़्यादा तेज़ी से ना मिलाएं, नहीं तो पनीर टूट सकता है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच नींबू का रस और इसे मिलाकर फ्रिज में 1 से 1.5 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। तो इसे मैंने अब फ्रिज से निकाल लिया है, पनीर और सब्जियां मसाले के साथ सेट हो चुकी है। और मैं इस तरह का लोहे का एक तार लूंगी, आप ओवन में बनाओ तो इस तरह से आप बेम्बो स्टिक ले सकते हैं जिसे आप 1/2 घंटे के लिए पानी में भिगो दें, पर अगर आप तार से बना रहे हैं तो आप ओवन में तार यूज़ नहीं कर सकते। मैं इसे पैन में बनाऊंगी इसलिए मैंने तार लिया है। तो इसमें इस तरह से एक पनीर का टुकड़ा और आप जिस हिसाब से हो उस हिसाब से एक सारी सब्जियों को और पनीर को इस तरह से इस तार पे सेट कर ले। ये मैंने इसे सारे अच्छी तरह से सेट कर लिया है और अब इसे मैं पैन में सेकूंगी। तो मैंने मीडियम से लो फ्लेम में पैन को रखा है और इसमें मैं डालूंगी बटर, आप चाहो तो इसमें बटर भी यूज़ कर सकते हो या फिर घी भी। ये बटर मेल्ट हो गया है, अब इसमें मैं ये जो हमारे पनीर और सब्जियों को जो हमने तार में सेट किया है इसे डालकर और अच्छी तरह से इसे सेकेंगे। तो इसके लिए हम पहले सब्जियों को थोड़ा सा पकाने के लिए इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे जिससे कि मसाला भी पक जाएगा और थोड़ी सब्जियां भी पक जाएगी। ये देखिए इसमें ये एक साइड से मसाला भी सिक चुका है। इसी तरह से हमें चारों तरफ से इसे पलटकर और सेकना होगा। तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा ढक दूंगी। ये देखिए ये पूरा अच्छी तरह से चारों तरफ से सिक चुका है,
मैंने इसे पलट कर 2 से 3 बार ढककर सेक लिया। अब इसे थोड़ा खुला सेकने के बाद हम गैस को ऑन करेंगे और इस तरह से मीडियम से लो फ्लेम में थोड़ा सा हम इसे गैस पे सेक लेंगे, जिससे कि इसमें तंदूरी पनीर टिक्का का टेस्ट आएगा, क्योंकि मसाला जब तक अच्छी तरह से ना सिके तो मज़ा नहीं आता खाने का। तो इसी तरह से इसे पलट कर घुमा कर अच्छी तरह से पनीर को और सब्जियों को थोड़ा सा और सेक लूँगी, और जब ये पूरी तरह से सिक जाएंगे तब इसे मैं बनाऊँगी थोड़ा सा स्मोकी। और उसके लिए मैंने एक कोयला लिया जिसे जला लिया अच्छी तरह से, और इसमें मैं डालूँगी 1/2 चम्मच बटर। आप चाहो तो इसमें घी भी डाल सकते हो। और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूँगी, जिससे कि पनीर टिक्का पूरा अच्छी तरह से स्मोकी हो जाए। ये देखिए, ये पूरी अच्छी तरह से इसमें धुनी लग गई है, पूरा स्मोकी हो गया, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इसे मैं कटोरी को निकाल कर और पनीर टिक्का को प्लेट में सर्व करूँगी, और इस पर डालूँगी मैं चाट मसाला। तो लीजिए, तैयार है हमारा हरियाली पनीर टिक्का। इसे आप इस तरह से ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।